हेलो फ्रेंड्स, रेकॉन की करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो करंट अफेयर्स के साथ साथ काफी मोटिवेशनल भी है। द रीजन इज कि आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उन प्लेयर्स के बारे में जिन्होंने इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया एशियन गेम्स में। ये इसलिए इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल है दोस्तों, क्योंकि बहुत से प्लेयर ने बहुत ही विषम परिस्थितियों में भी अपनी तैयारी जारी रखी और बेस्ट रिजल्ट देके ना सिर्फ देश का बल्कि पेरेंट्स, समाज और अपने आप का नाम रोशन किया। आई एडवाइज यू, आप इनसे इंस्पिरेशन लें और अपनी तैयारी जो आपकी फील्ड है, गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, PSU, उसमें भी इसी तरह करें और अपने देश, समाज और पेरेंट्स का नाम रोशन करें। तो आइए दोस्तों, देखते हैं वन बाय वन हर प्लेयर के बारे में जिसने गोल्ड जीता या सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया एशियन गेम्स में। क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसी के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम मनजीत सिंह की। मनजीत सिंह की इंस्पिरेशनल स्टोरी है दोस्तों, गोल्ड जीता है मेंस 800 मीटर में, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, काफी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। द रीजन इज कि इनको ओल्ड समझ के या ये समझ के कि अब इनकी उम्र हो गई है, ONGC ने जॉब से निकाल दिया था। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू प्रिपेयर अगेन विदाउट जॉब, लेकिन इनका ये कहना है कि इनके पेरेंट्स ने और इनके फैमिली ने सपोर्ट किया और उसी का रिजल्ट है दोस्तों कि इन्होंने फिर से तैयारी करके बिना जॉब के भी गोल्ड मेडल पाया। वेरी इंस्पिरेशनल मनजीत सिंह, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ONGC में जॉब करते थे, जॉब से हट गए लेकिन अपनी तैयारी नहीं छोड़ी। अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी। सेकंड हम बात करते हैं दोस्तों जिनसन जॉनसन की। इन्होंने दो मेडल लिए, गोल्ड 1500 मीटर और सिल्वर इन 800 मीटर, यानी कि जहां मनजीत सिंह नंबर वन आए, जिनसन जॉनसन ने सेकंड रह के सिल्वर लिया। केरला से बिलोंग करते हैं दोस्तों, और अच्छी बात ये थी इनका जो टाइमिंग था दोस्तों 1500 मीटर में, वो 3:44.72 था। अगर हम ओलंपिक की बात करें जो पिछली बार ब्राजील में हुए थे, तो वहां जो USA के एथलीट विनर रहे थे, गोल्ड जीता था, उनका टाइमिंग था 3:50। अगर यही परफॉर्मेंस जॉनसन ने ओलंपिक्स में दे दी तो ओलंपिक में भी गोल्ड उनका पक्का है। मैं एक बार फिर बता दूं, 2020 के अंदर टोक्यो में ओलंपिक्स होने वाले हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट जॉनसन सर फॉर द ओलंपिक। इसी तरह हार्ड तैयारी करते रहिए और नाम रोशन करिए देश का। थर्ड हम बात करते हैं अगेन ए वेरी इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल स्टोरी ऑफ तेजेंद्र सिंह। तेजेंद्र सिंह पंजाब के हैं दोस्तों, और अ वेरी सैड न्यूज़, जब वो वापस एशियन गेम्स से आए तो उनके फादर नहीं रहे जिनको कैंसर था, लेकिन इनकी फैमिली और बीमार फादर ने भी इनका पूरा सपोर्ट किया। हॉस्पिटल आने नहीं देते थे और सिर्फ तैयारी करने के लिए बोलते थे। इसी का रिजल्ट है दोस्तों कि शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंक, हिंदी में मैं आपको बता दूं शॉर्ट पुट का मतलब होता है गोला फेंक, में इन्होंने एशियन गेम्स में नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया 20.75 का और गोल्ड जीता। और ये गोल्ड इन्होंने अपने फादर को डेडिकेट किया, जो होना भी चाहिए था। सो हेड्स ऑफ टू तेजेंद्र पाल सर, यू हैव डन अ ग्रेट थिंग फॉर योर फादर एंड फॉर योर सेल्फ। चलिए दोस्तों, चौथे नंबर पे बात करते हैं नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा, मैं आपको बता दूं, ये फ्लैग लेके भी चले थे ओपनिंग सेरेमनी में। ये जेवलिन थ्रो के प्लेयर है। जेवलिन थ्रो का मतलब होता है भाला फेंक, हिंदी में भाला फेंक, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा इंग्लिश याद रखिए, जेवलिन थ्रो। काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली ओलंपिक में भी मेडल जरूर लेके आएंगे इंडिया के लिए। ध्यान रखिएगा, ये आगे आने वाले वन ऑफ द स्टार्स ऑफ इंडिया में रहेंगे। तो इन्होंने गोल्ड जीता है जेवलिन थ्रो में, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा एक फोटो बहुत वायरल हुआ था जो इन्होंने पोडियम पे किया था। पोडियम में इन्होंने पाकिस्तान के जो प्लेयर थे उसके साथ हैंडशेक किया और उनको भी बधाई दी।
तो दोस्तों मैं आपको ये फोटो भी दिखा देता हूँ जो वायरल हुई थी, इसको याद रखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नीरज चोपड़ा के बारे में पूछ लिया जाए। तो नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल, याद रखिए, ही इज़ ए जेवलिन थ्रो प्लेयर। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अरपिंदर सिंह की। अरपिंदर सिंह ने दोस्तों गोल्ड जीता है आफ्टर 48 ईयर्स इन ट्रिपल जंप। ट्रिपल जंप में 48 ईयर्स बाद एशियन गेम्स में हमको गोल्ड मिला है बिकॉज ऑफ अरपिंदर सिंह। पंजाब से बिलोंग करते हैं, 1970 में हमने गोल्ड जीता था, महेंद्र सिंह गिल उनका नाम था, वो भी पंजाब से ही थे और अरपिंदर सिंह भी पंजाब से ही हैं। इसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों, अगेन अ वेरी इंस्पिरेशनल हिमा दास। हिमा दास का वीडियो वायरल हो गया था जब उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स में गोल्ड जीता था और पोडियम में जब नेशनल एंथम चल रहा था तो वो रो रही थी। बहुत ही अच्छा वीडियो था, एक बार जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। तो हिमा दास के साथ जो टीम थी जिन्होंने 4x400 मीटर रिले में गोल्ड जीता है, मैं उन चारों प्लेयर्स के नाम बता देता हूँ, हिमा दास, सारथीबेन, लक्ष्मीबाई, विस्मय करूत और पुवम्मा राजू, चारों अलग अलग स्टेट से है दोस्तों, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से दौड़ के इंडिया को गोल्ड दिलाया। हिमा दास ने सिल्वर मेडल भी जीता 400 मीटर में। इसके अलावा हिमा दास सिर्फ 18 साल की है, ओलंपिक में भी मेडल ला सकती है, आसाम से बिलोंग करती है, ही बिलोंग्स फ्रॉम आसाम, बहुत ही गरीब घर से है बट बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। दोस्तों मैं आपको भी एडवाइस करूंगा, हर एक की लाइफ में ऑड्स रहते हैं, सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं होती, लेकिन लोग उससे ऊपर उठ के अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस क्रिटिकल टाइम में देते हैं, इसके लिए वो लगातार हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क से पीछे मत हटिए। रेकॉन इसी तरह आपको घर बैठे बहुत ही नॉमिनल प्राइस में वीडियोस प्रोवाइड कर रहा है, इस फैसिलिटी का फायदा उठाइए। आपको सिर्फ पीसी या लैपटॉप चाहिए दोस्तों और साथ में आपका हार्ड वर्क, रेस्ट केयर विल बी टेकन अप बाय रेकॉन। एक बार हमारी विजिट करें साइट www.rcaonline.in या हमें इस व्हाट्सएप पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद एक और इंस्पिरेशनल स्टोरी देखते हैं, सपना बर्मन। इनके मदर का वीडियो वायरल हुआ था क्योंकि जब इन्होंने गोल्ड जीता तो इनकी मदर के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। सपना वर्मा फादर इनके रिक्शा चलाते हैं एंड ही विन्स द मोस्ट डिफिकल्ट इवेंट ऑफ एनी गेम डेट इज हेप्टेथलॉन। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है प्रोनाउंस करना, तो हेप्टेथलॉन में इन्होंने गोल्ड जीता है। अब इसमें एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि ये एक इवेंट है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट शामिल हैं, क्या क्या हैं वो जरा देख लीजिए, 100 मीटर हर्डल, हाई जंप, शॉट पुट, 200 मीटर, लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो और 800। ये सारे इवेंट्स के जो टोटल सम ऑफ पॉइंट्स होते हैं, एक टिपिकल फॉर्मूला है जिससे पॉइंट्स को कैलकुलेट किया जाता है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है हम लोगों के लिए, लेकिन ये सारे इवेंट्स का जो परफॉर्मेंस होता है एथलीट का, उसको सम करने के बाद जो भी टॉप करता है उसको गोल्ड दिया जाता है। तो सपना वर्मा को इन सातों को मिला के हाइएस्ट पॉइंट बने एंड शी वॉन द गोल्ड। अब दोस्तों एक और चीज मैं उनके बारे में बताऊंगा कि उनके दोनों ही पाँव में 6 उंगलियां हैं, तो उन्हें स्पेशलाइज्ड जूते चाहिए थे जिससे वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके, पैसे नहीं थे इतने कि वो स्पेशलाइज्ड जूते खरीद सके, नॉर्मल जूतों में भी उन्होंने बेस्ट देके एशियन गेम्स में गोल्ड जीता। अ वेरी इंस्पिरेशनल वुमेन, नाम याद रखिएगा दोस्तों, अगेन एग्जाम में आ सकता है, सपना बर्मन। नेक्स्ट इज सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी बहुत ही छोटी एज में गोल्ड जीत लिया, सिर्फ 16 साल के हैं दोस्तों, 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने गोल्ड जीता है। सो नाम याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है क्योंकि उनकी एज बहुत छोटी है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इट इज सौरभ चौधरी। इसके बाद दोस्तों राही जीवन महाराष्ट्र से हैं, गोल्ड जीता है 25 मीटर पिस्टल वुमेन में, 2 टाइम्स कॉमनवेल्थ चैंपियन भी रही है,
शायद टोक्यो में भी गोल्ड जीत जाए। तो दोस्तों इनका नाम याद रखिए, राही जीवन। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया ने फ्री स्टाइल में गोल्ड जीता है, लास्ट कॉमनवेल्थ में भी इन्होंने गोल्ड जीता था। अगेन टोक्यो में बहुत अच्छे चांसेस हैं इनके कि ये गोल्ड जीत सकें। नाम याद रखिएगा, बजरंग पूनिया, अगेन फ्रॉम हरियाणा। बहुत से प्लेयर हैं जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इसके बाद हमारी फोगाट सिस्टर की कज़न सिस्टर विनेश फोगाट, मूवी भी बन चुकी है दंगल इनके कज़न सिस्टर्स पे, उन्होंने गोल्ड जीता है वुमेन्स फ्री स्टाइल 50 kg। मैं आपको दोस्तों ये नहीं बोलूँगा कि आप ये कैटेगरी याद रखें, अगर आप याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सो विनेश फोगाट जो हैं इन्होंने गोल्ड जीता है और शी बिकम द फर्स्ट फीमेल इंडियन एथलीट टू विन द गोल्ड इन फ्री स्टाइल इन एशियन गेम्स। कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड जीता था और यहाँ पे भी गोल्ड जीता है। अगेन अ स्ट्रांग प्लेयर इन द टोक्यो टू विन गोल्ड। इसके बाद जो सबसे बड़ा सरप्राइज था, प्रणब बर्धन एंड शिवनाथ सरकार, अ वेरी ओल्ड प्लेयर्स ऑफ ब्रिज, जिन्होंने कि इंडिया को गोल्ड दिलाया फर्स्ट टाइम। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक और क्वेश्चन बनता है, ब्रिज जो है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था एशियन गेम्स में और हमने गोल्ड जीत लिया इसके अंदर। तो देखिए दोस्तों, उम्र भी लोगों को रोक नहीं पा रही है अपने पैशन को फॉलो करने में। फाइनली ब्रिज आया एशियन गेम्स में एंड बोथ द प्लेयर्स वोन द गोल्ड। सो हार्ड वर्क कहीं ना कहीं पे जरूर करता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों रोविंग टीम यानी कि नौकायन में एक इवेंट होता है क्वाड्रेपल स्कल, उसमें हमने गोल्ड जीता। टीम में थे स्वरण सिंह, दत्तू बोकनाल, बहुत ही रिनाउंड प्लेयर हैं दत्तू बोकनाल, ओम प्रकाश एंड सुखमीत सिंह। तो इनका भी याद रखिए कि हम नौकायन में भी अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट 14th मेंस डबल टेनिस टीम, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई जैसा मैंने बताया कि लास्ट मोमेंट पे लैंडर पेस ने अपना नाम हटा लिया था, लेकिन रोहित बपना और शरण दिविज ने मिलके, दोनों ने मिलकर हमको मेंस डबल में गोल्ड दिलाया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, अमित पंगल अगेन फ्रॉम हरियाणा, गोल्ड मेडल इन बॉक्सिंग 49 kg। अब जो न्यूज़ आ रही है दोस्तों, ये 49 की जगह 52 kg में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स में 49 kg का इवेंट शायद नहीं होगा। ऐसा खबर आ रही है कि 49 kg का जो इवेंट होने वाला था टोक्यो ओलंपिक्स में वो नहीं होगा, उसकी जगह पे 52 kg होगा। तो अमित पंगल विल बी शिफ्टेड टू 52 kg। तो इसको ध्यान रखिए दोस्तों, गोल्ड जीता है इन्होंने, अगेन ए प्रॉमिसिंग प्लेयर फॉर द ओलंपिक गोल्ड। तो दोस्तों दीज आर द प्लेयर्स जो हमें इंस्पायर करते हैं कि हम हमारी डे टू डे लाइफ में अच्छा परफॉर्म करें इन्हीं की तरह, जबकि ये सब भी विषम परिस्थितियों से लड़ रहे हैं। विद दैट फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, कीप इंजॉइंग एंड हैव लॉट ऑफ फन इन योर लाइफ।